स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन आरसी एजुकेशन हब। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ न्यू टॉपिक नेम्ड एज पार्ट्स ऑफ फ्लावर। आज जो है अपन फ्लावर के पार्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं। इसके अलावा नाम तो आपको पता चल ही गया होगा, फ्लावर जो है बेसिकली चार पार्ट्स से कंसिस्ट होता है। नंबर वन इज सेपल्स, कलेक्टिवली सेपल्स को बोलते हैं कैरिक्स, कलेक्टिवली सेपल्स को बोलते हैं कैलिक्स। नंबर सेकेंड इज पेटल्स, पेटल्स को कलेक्टिवली बोलते हैं कोरोला। नंबर थर्ड इज स्टैमिन, स्टैमिन्स को कलेक्टिवली बोलते हैं एंड्रोशियम। दिस इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसके अलावा फोर्थ इज पिस्टल, जिसको बोलते हैं अपन गाइनोशियम। दिस इज सिंबल ऑफ गाइनोशियम। ओके, चार पार्ट्स हो गए हैं। सबसे जो बाहर वाला है सेपल्स, उसके अंदर वाले पेटल्स, उसके अंदर वाले स्टैमिन और उसके अंदर वाले पिस्टल्स। सेपल्स को कलेक्टिवली बोलते हैं कैलिक्स, पेटल्स को कलेक्टिवली बोलते हैं कोरोला, स्टैमिन्स को कलेक्टिवली बोलते हैं एंड्रोशियम एंड पिस्टल को कलेक्टिवली बोलते हैं गाइनोशियम। ओके, तो जो बाहर वाले दो वर्ल्ड्स हैं, आउटर मोस्ट टू वर्ल्ड्स सेपल्स एंड पेटल्स, इनको बोलते हैं असेसरी वर्ल्ड। इनको बोलते हैं असेसरी वर्ल्ड्स। व्हाई दीज आर असेसरी वर्ल्ड्स? बिकॉज दीज आर नॉट प्लेइंग रोल इन रिप्रोडक्शन। ये रिप्रोडक्शन के अंदर रोल प्ले नहीं कर रहे हैं, या फिर इनके अंदर किसी प्रकार के गैमेट्स भी फॉर्म नहीं हो रहे हैं। अगर फ्लावर के अंदर सेपल्स और पेटल्स नहीं भी होंगी तो भी काम चल जाएगा, इसीलिए जो है इनको असेसरी वर्ल्ड्स बोलते हैं। जबकि जो अंदर वाले दोनों वर्ल्ड्स होते हैं एंड्रोशियम और गाइनोशियम, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दोनों को कलेक्टिवली बोलते हैं इसेंशियल वर्ल्ड। इनको बोलते हैं इसेंशियल वर्ल्ड। दीज आर नोन एज इसेंशियल वर्ल्ड। व्हाई दीज आर इसेंशियल वर्ल्ड? बिकॉज स्टैमिन एंड पिस्टल बोथ आर प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल इन रिप्रोडक्शन। दोनों जो है प्रोडक्शन के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। बिकॉज स्टैमिन इज सिंथेसाइजिंग मेल गैमेट्स एंड पिस्टल इज सिंथेसाइजिंग फीमेल गैमेट्स। स्टैमिन जो है मेल गैमेट्स को सिंथेसाइज कर रहा है, जिनको इनिशियली जो है वो बोलते हैं पोलन ग्रेन, और फीमेल जो है दिस इज सिंथेसाइजिंग फीमेल गैमेट्स, जिनको इनिशियली जो है ओव्यूल सुनाया आपने, इस तरीके से फॉर्म करते हैं। तो ये गैमेट्स को फॉर्म कर रहे हैं, इसीलिए इनको अपन ने क्या बोला है इसेंशियल वर्ड्स। ओके, तो जो असेसरी वर्ड्स हैं और इसेंशियल वर्ड्स हैं, दोनों मिलके जो पूरी फ्लावर की स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं। इस तरीके से फ्लावर जो है चार पार्ट से मिलकर कंसिस्ट होता है, चार वर्ड से मिलकर कंसिस्ट होता है, जिनमें आउटर मोस्ट टू को तो अपन ने असेसरी वर्ड्स बोला है और अंदर के जो टू हैं इनको अपन ने इसेंशियल वर्ड्स बोला है। ऑलराइट, इसके बाद में जो फ्लावर के जो वर्ड्स हैं उनका एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट पाया जाता है। दीज आर द मल्टीपल ऑफ ईच अदर। ये एक के मल्टीपल भी हो सकते हैं, दो के मल्टीपल भी हो सकते हैं, तीन के मल्टीपल भी हो सकते हैं और चार के मल्टीपल भी हो सकते हैं। किस तरीके से, आप थोड़े कन्फ्यूज हो रहे होंगे किस तरीके से। लाइक जो एंड्रोशियम है वो एक भी पाया जाता है, नंबर पाया जा सकता है नंबर के अंदर, दो भी पाया जा सकता है, तीन भी पाया जा सकता है, चार भी पाया जा सकता है और पाँच भी पाया जा सकता है। दिस इज एंड्रोशियम। गाइनोशियम भी जो है एक भी हो सकता है, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, चार भी हो सकती है और पांच भी हो सकती है। सेम पिस्टल भी जो है वो सेपल्स हैं वो भी इसी तरीके से पाई जाती हैं, और पेटल्स भी सेम इसी तरीके से पाई जा सकती हैं। ओके, तो अब मैं क्या बोल रहा था कि ये एक दूसरे के मल्टीपल फॉर्म के अंदर पाए जाते हैं। या तो ये एक के मल्टीपल पाए जा सकते हैं लाइक सारे एक एक हों, या फिर दो भी पाए जा सकते हैं, दो या फिर दो के मल्टीपल हो सकते हैं, तीन भी पाए जा सकते हैं फिर तीन के मल्टीपल हो सकते हैं, फोर भी पाए जा सकते हैं या फिर फोर के मल्टीपल हो सकते हैं। अगर एक या एक के मल्टीपल पाए जा रहे हैं, इट मीन्स
मोनोमेरस, मोनोमेरस दो के मल्टीपल पाए जा रहे हैं डायमेरस, तीन या तीन के मल्टीपल पाए जा रहे हैं ये सारे ऑर्गन्स ट्रायमेरस, चार या चार के मल्टीपल पाए जा रहे हैं टेट्रामेरस, पांच या फिर पांच के मल्टीपल पाए जा रहे हैं पेंटामेरस। इस तरीके से जो है इन फ्लोरल वर्ल्ड के नंबर पाया जाता है फ्लावर के अंदर, राइट? दे कैन बी मोनोमेरस, डायमेरस, ट्रायमेरस, टेट्रामेरस और पेंटामेरस। ओके, इसके अलावा जो फ्लावर होता है उसके सेपल से भी बाहर छोटी छोटी लीव्स पाई जाती हैं, जिनको अपन बोलते हैं ब्रैक्स, जिनको अपन क्या बोलते हैं ब्रैक्स। अगर ब्रैक्स जो है फ्लावर के अंदर पाई जाती हैं उनको ब्रैक्टिएट फ्लावर्स बोलते हैं, ब्रैक्टिएट फ्लावर्स, और ब्रैक्स जिनके अंदर एब्सेंट होती है उनको इब्रैक्टिएट, उनको इब्रैक्टिएट फ्लावर्स बोलते हैं। जिनके अंदर ब्रैक्स प्रेजेंट होती हैं ब्रैक्टिएट फ्लावर्स, और जिनके अंदर ब्रैक्स एब्सेंट होती हैं उनको इब्रैक्टिएट फ्लावर्स बोलते हैं। ब्रैक्स क्या होती हैं? बहुत माइन्यूट छोटी छोटी लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती हैं जो कि किसके बाहर पाई जाती हैं? सेपल्स के बाहर पाई जाती हैं। इफ दीज आर प्रेजेंट ब्रैक्टिएट, इफ दीज आर एब्सेंट इब्रैक्टिएट। अब बात करते हैं फ्लावर जो है बेसिकली दो टाइप के होते हैं, दैट दे कैन बी यूनिसेक्सुअल और दे कैन बी बाइसेक्सुअल। अगर दोनों वर्ल्ड्स प्रेजेंट हैं स्टैमिन और पिस्टल अगर दोनों पाए जा रहे हैं देन दिस इज नोन एज बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल फ्लावर। जबकि अपन को चारों तरफ जितने भी फ्लावर्स दिख रहे हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं? बाइसेक्सुअल, जिनके अंदर स्टैमिन भी होता है और पिस्टल भी होता है। वी कैन से दीज आर कंटेनिंग एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम बोथ। इसके अलावा कुछ फ्लावर्स ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर केवल एक ही पाया जाता है, एक ही सेक्सुअल पार्ट पाया जाता है, उनको बोलते हैं यूनिसेक्सुअल, उनको अपन बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। एग्जांपल्स लाइक पपाया, पपाया के अंदर जो है एक ही सेक्स ऑर्गन पाया जाता है, इसीलिए जो है पपाया का यूनिसेक्सुअल भी होता है। अगर दोनों पाए जा रहे हैं उस कंडीशन के अंदर बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो फ्लावर को जो है सेक्स ऑर्गन के यहाँ पे दो टाइप के अंदर डिवाइड कर रखा है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। ब्रैक्स जो है छोटी छोटी लीव्स होती हैं उनके यहाँ पे फ्लावर्स दो टाइप के होते हैं, ब्रैक्टिएट फ्लावर्स और इब्रैक्टिएट फ्लावर्स। ओके, इसके अलावा फ्लावर के अंदर जो एंड्रोशियम गाइनोशियम और सेपल्स और पेटल्स जो होती है उनका एक पर्टिकुलर नंबर पाया जाता है, उस यहाँ पे फ्लावर मोनोमेरस भी हो सकता है, डायमेरस भी हो सकता है, ट्रायमेरस भी हो सकता है, टेट्रामेरस भी हो सकता है और पेंटामेरस भी हो सकता है। इसके अलावा फ्लावर के अंदर चार पार्ट होते ही हैं, सेपल्स, पेटल्स, स्टैमिन और पिस्टल्स। सेपल्स जो है इनको कलेक्टिवली कैलिक्स बोलते हैं, पेटल्स को कोरोला बोलते हैं, स्टैमिन को एंड्रोशियम बोलते हैं एंड पिस्टल को गाइनोशियम बोलते हैं। सेपल्स और पेटल को एक्सेसरी वर्ड्स बोलते हैं और स्टैमिन और पिस्टल को एसेंशियल वर्ड्स बोलते हैं। इसके बाद में अपन इससे नेक्स्ट वाले लेक्चर के अंदर बात करेंगे सेपल्स और पेटल्स के बारे में थोड़ी डिटेल। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।